नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल में मैं रानी गुप्ता आपके साथ बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगातार अतिक्रमण पर वार किया जा रहा है और प्रशासन के द्वारा लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है इस बीच देखने को मिला कि जहां बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो जनवरी से शुरू हुई है और लगातार कई सारे ऐसे लिस्ट तैयार किए गए हैं जिसमें जो लोग हैं उनमें कई सारे पूर्व मंत्रियों के भी नाम शुमार है जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है और अब प्रशासन जो है बुलडोजर कार्रवाई कर रही है जिससे कि उन जमीनों को उन जगहों को इन लोगों से अतिक्रमण मुक्त किया जा सके बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बड़े स्तर पर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है जिसके तहत शनिवार को जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में दो पूर्व मंत्रियों सहित अन्य लोगों से राज्य की पैंसठ हेक्टेयर से अधिक जमीन अतिक्रमण मुक्त करा करके वापस कब्जे में ले ली गई है बता दें कि अधिकारियों ने यह भी जानकारी देते हुए बताया है कि रामबन कठुआ और किश्तवाड़ जिलों में दिन भर चले अभियान के दौरान कई अवैध निर्माण भी ध्वस्त किए गए हैं साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किशतवाड़ जिले में राज्य की लगभग सड़सठ दशमलव जीरो नौ कनाल हेक्टेयर भूमि कब्जे में ली गई है जिसे रस्थल के करूल में एक पूर्व मंत्री और उनके परिवार से मुक्त कराया गया था जबकि राज्य की पांच दशमलव भूमि को एक अन्य पूर्व मंत्री के कब्जे से लच्छा जाना में खाली कराया गया इस जमीनों का जल्द ही विभिन्न महत्वपूर्ण सरकारी परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जाएगा और विभिन्न विभागों द्वारा भूमि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक भूमि बैंक बनाया जाएगा साथ ही अधिकारियों ने यह भी बताया कि जिला प्रशासन ने रामबन पोगल परिस्थान खराल रामसू राजगढ़ बनिहाल और बटोटे की विचित्र तहसीलों में 708 कनाल से अधिक जमीन पर फिर से कब्जे ले लिया है कठुआ जिले की डिंगा अम महानपुर मरहीन सोहली तहसीलों में 546 कनाल राज और रोशनी भूमि का एक और हिस्सा अवैध कब्जाधारियों से वापस लिया गया है साथ ही उन्होंने भी बताया कि बिलावर में बेदखली अभियान के दौरान एक प्रमुख राजनेता के पास से पांच मरले की व्यवसायिक श्रेणी की प्रमुख भूमि का एक टुकड़ा भी खाली करा करके कब्जे में ले लिया गया है आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सरकार जल्द ही सरकारी जमीनों पर सालों से किए गए कब्जे पर पीला पंजा चलाने की तैयारी कर रही है इसकी जद में प्रदेश के कई पूर्व मंत्री और विधायक भी आते हुए नजर आ रहे हैं जिस तरीके से ये जो कार्रवाई हो रही रही है है उसमें चीजें नजर भी आ रही है कि कई पूर्व मंत्रियों से अतिक्रमण वाली जमीनों को खाली करा लिया गया है जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा इस बाबत जारी आदेश के बाद प्रदेश में सियासी माहौल भी गर्मा चुका है और प्रदेश के सभी विपक्षी दल सरकार के खिलाफ दमखम से प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं सरकारी आदेश की बात करें तो 9 जनवरी को जम्मू कश्मीर से एक आदेश जारी कर जम्मू कश्मीर के सभी बीस जिला अधिकारियों को प्रदेश में कब्जा की गई सरकारी जमीनों को चिन्हित कर इकतीस जनवरी तक इन पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है लेकिन फिलहाल यह कार्रवाई और भी ज्यादा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है लगातार ये जो कार्रवाई है वो प्रशासन के द्वारा की जा रही है इन जमीनों में रोशनी एक्ट के तहत रजिस्टर कर गई जमीनों को भी शामिल करने के लिए कहा गया है सरकार की इन जमीनों में कब्जा करके रिहायशी मकान कमर्शियल सेंटर और कई दूसरी इमारतें तक बनाई गई है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार द्वारा तैयार की गई लिस्ट में 30 पूर्व मंत्रियों और नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं और देखने को मिल रहा है कि प्रशासन इन तमाम लोगों पर कार्रवाई कर रहा है चाहे वो पूर्व मंत्री हो नेता हो विधायक हो या फिर कई सारे रिहायशी लोग लोगों पर लगातार ये कार्रवाई चल रही है उनसे अतिक्रमण की गई जमीन सरकारी जमीनों पर जो कब्जा किया गया है वो प्रशासन के द्वारा वापस लिया जा रहा है बता दें कि अभी पिछले दिनों ही देखने को मिला था कि जो हुरियत कॉन्फ्रेंस के नेता थे का उनके शॉपिंग मॉल में भी बुलडोजर चला था और उनकी भी जमीन जो कि आदेश पारित किया गया है सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर प्रशासन के द्वारा और लगातार यह बुलडोजर एक्शन जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है और तमाम ऐसे रिहायशी इलाके वहां से जो अतिक्रमण है वो खाली करवाए जा रहे हैं ताकि ये जो जमीन है वो अन्य सरकारी कामों के लिए यूज किया जा सके और तमाम तरीके की जो सरकारी सुविधाएं होती है चाहे बात हम बैंकों की करें हॉस्पिटल की करें कॉलेज की करें ये सारी चीजें उन जमीनों पर बनाई जा सके इस तरीके की मुहिम जो है वो सरकार चलाने की प्रयास कर रही है ताकि इससे आम जनता को भी लाभ मिले क्योंकि कहीं कही ना कहीं मकानों को लेकर के और जो भी एरिया हड़पे गए थे वो पूर्व मंत्रियों नेताओं के द्वारा ज्यादातर हड़पे गए हैं में आम जनता जो है इस चीज से काफी ज्यादा परेशान रही है जिसकी वजह से अब ये जो अतिक्रमण है वो हटाया जा रहा है तो बता दें कि जब 8 जनवरी को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यह आदेश पारित किया था कि अतिक्रमण पे कार्रवाई की जाएगी और बुलडोजर से वार किया जाएगा ताकि अतिक्रमण मुक्त प्रदेश बनाया जा सके इस चीज को लेकर के जो पहले के कश्मीर के नेता थे चाहे फिर वो पीडीपी हो या फिर अन्य दलों के नेता हो वो इस चीज को लेकर के प्रदर्शन करने के लिए उतर आए थे क्योंकि क्योंकि इसमें ज्यादातर जो जमीनें थी वो कहीं ना कहीं इन्हीं नेताओं से संबंध रखने वाली थी और इन्हीं नेताओं की जमीनें थी क्योंकि इस लिस्ट में साफ नजर आता है कि तीस पूर्व मंत्रियों की जमीनें थी जो कि अतिक्रमण पर बनी हुई थी ऐसे में जाहिर सी बात थी कि नेताओं का सड़क पर उतरना लोगों को बरगलाना लाजमी था और इस चीज को लेकर के उन्होंने प्रदर्शन भी किया सरकार पर भी आरोप लगाए कि यह सरकार जो है बेवजह की कार्रवाई कर रही है लोगों को परेशान करने के लिए कार्रवाई की जा रही है लेकिन देखने को मिला कि कैसे लगातार जम्मू कश्मीर में इस वक्त सरकार जो है एक्शन के मोड में है जो लोगों को बरगला करके पथराव करवाती थी और कहीं ना कहीं आतंकवाद के लिए इन लोगों का प्रयोग करती थी इन सभी के खिलाफ सरकार जो है वो एक्शन ले रही है चाहे फिर वो एन हो गृह मंत्रालय हो तमाम तरीके के ऐसे चीजें हैं वो देखने को मिल रही है पिछले दिनों देखने को मिला कि कैसे हुरियत कॉन्फ्रेंस के ऑफिस को अटैच किया गया उसके बाद हुरियत कॉन्फ्रेंस के जो नेता है काशी यासिर उनके यहाँ पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी इसी के साथ ही बहुत सारे ऐसे आतंकवादी भी है जिनके यहाँ पर ये बुलडोजर की कार्रवाई लगातार की जा रही है यानी कि यह सख्त संदेश दिया जा रहा है कि जो चीजें पहले हुआ करती थी जम्मू कश्मीर में वो अब कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ये चीजें फिर से कश्मीर में नहीं होगी यानी कि जो पथरावबाजी की घटना देखी जाती थी कि कैसे वहां पर इंडियन आर्मी के जवान खड़े होते थे और वहीं पर जिनकी सुरक्षा के लिए वो खड़े होते थे वहीं उन पर पथराव करते हुए नजर आते थे तो ये चीजें अब जम्मू कश्मीर में होते हुए नहीं दिखाई दे रही है यानी कि जम्मू कश्मीर कश्मीर की जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से बदल गई है धारा 370 हटने के बाद कहीं ना कहीं ये श्रेय जो है इसको भी जाता है मोदी सरकार को भी जाता है जिस तरीके से राहुल गांधी वहां पर गए थे लाल चौक पर उन्होंने तिरंगा फहराया था और इस बात का ऐलान किया था कि अब कश्मीर में शांति है और वो देश से नफरत मिटा करके रहेंगे लेकिन वहीं लोगों ने यह भी सवाल पूछा था कि ये जो हिम्मत है आप में तब क्यों नहीं थी 2019 से पहले क्यों नहीं थी जब धारा तीन